सभी को नमस्ते गणेश सर, नमस्ते नमस्ते। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। कुछ हैंड्स रेस थे तो विद योर परमिशन आई विल लोअर द हैंड्स। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू कर यस, रहे हैं एंड इफ तो दे सर कैन आपका आस्क स्वागत। देयर क्वेश्चन इन हिंदी, दे कैन यू नो दे कैन हाँ रेज देयर हैंड अगेन। यस 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 थैंक यू सर। जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते गणेश जी। अ स्मॉल क्वेश्चन, नमस्ते आई विल टेक नमस्ते नमस्ते। I will take, yeah, very less time I will take. While they are doing assignment, I found that step number 4 is most likely because I am 100% responsible for my all feelings and happiness. But at the same time, the difficulty is with step number 1, because in step number 1, it is very difficult to see the feeling or the thoughts without any reaction. But by yes, sometimes reaction comes when it is the unhappy thought is coming. So I am trying to make it happy because I want happiness, or I am in happiness all the time, or want to be in harmony. So bhaiya, please comment on this. Thank you. जी नमस्ते गणेश जी, थोड़ा सा जी क्वेश्चन। जी नमस्ते। देखिए, थैंक यू। हम लोग ये कह रहे हैं कि स्टेप 1 में मुख्य काम है अवेयर होना। जी अभी तक हम अपने प्रति बेहोश हैं, जी बिल्कुल अपने को शरीर मान लिए, अपने को सुविधा मान लिए, अपने को संवेदना मान लिए, है ना, और उसी में व्यस्त रहते हैं। अभी कम से कम हम अपने को सीधा सीधा देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे हैं, उसके प्रति होश में आने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जी तो उसको करना है अपने को। फिर एक बार हमारा ध्यान गया और हम अपने कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, तो उसमें भी इच्छा विचार आशा तीनों चीजें चल रही है कल्पनाशीलता में। तो वहां पर अब ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि इस समय इच्छा क्या है, भाव क्या है, सही हो गलत हो जो भी है, हम उसको सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो हम उसके प्रति बेहोश थे, अब उसके प्रति होश में, और ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जी है ना। अभी क्या है कि हम बहुत सारा चीजों को एक साथ करने जाएंगे तो थोड़ा उलझ जाते हैं। ये स्टेप्स इस तरह से सोचे गए कि भाई इसमें हम एक एक स्टेप चल पाए आसानी से, सभी लोग चल पाए। तो पहला तो अपने प्रति ध्यान जाना, यही बड़ी बात है। अपने प्रति होश में होना, यही बड़ी बात है। होश जी में रहते हुए अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान देकर देखना, ये भी एक बड़ी बात है। उसमें भी अपने कल्पनाशीलता में जो फीलिंग है, जो भाव है, जो इच्छा है, उसको देख पाना, ये बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं उसमें। फिर उसमें एक स्टेप और भी हम लोग कर रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं और जो भी हमको दिखता है कल्पनाशीलता में, भाव विचार, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। बराबर स्टेप नंबर यह वन भी एक बड़ी स्टेप है। जी तो अगर स्टेप 1 को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। एक तो अभी तक हम अपने को और कुछ माने हुए थे, उन सब से निकल कर हम अपने को एक चैतन्य इकाई के रूप में, और उसमें जो कल्पनाशीलता हो रहा है उसके रूप में देखने का काम शुरू कर रहे हैं। उसमें भी जो फीलिंग्स हैं उसको देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके प्रति होश में आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें भी अब यह है कि जो देख रहे हैं, जो भी चल रहा है, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये तीनों काम को जब जोड़ कर देखते हैं ना, तो ये पता लगता है कि ये काम तभी हो सकता है जब हम दृष्टा की जगह पर हों। तो इनडायरेक्टली हम स्टेप 1 में ही दृष्टा की जगह पहुंच जा रहे हैं। तो उस पर अपने को फोकस करना है कि ये होश में आना, होश पूर्वक कल्पनाशीलता को देखना, कल्पनाशीलता में इच्छा विचार आशा को देखना, उसमें जो भी भाव है इच्छा में उसको देखना, और जो भी चल रहा है उसको बस देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। इतने काम को कर रहे हैं। अभी क्या है कि हम तुरंत मूल्यांकन भी करने लगते हैं और ये भी तय करने लगते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ। ये सब अभी मत करिए, ये सब स्टेप 2 में जाकर, 3 में जाकर, फाइनली 6 और 7 में जाकर करना है। ये सब को हम एक साथ करने लग जाते हैं तो उलझ जाते हैं, ठीक है ना। एक एक स्टेप चलिए, और एक एक स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबको एक साथ अभी मिक्स मत करिए। ये जो स्टेप आपको ठीक से दिखने लगेगा, फिर आप आसानी से उन सब स्टेप को एक साथ कर पाएंगे, मर्ज कर पाएंगे, बट शुरू में मत करिए।
मेरी बात पहुंची आप तक? जी 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 बिल्कुल जी गणेश जी, थैंक यू, बीच में आवाज नहीं आ रही थी इसलिए, थैंक यू जी। नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने तो आपको समय दिया उस पर सोचने के लिए। अच्छा, मैं सोच ही रहा था, लेकिन ये सोच रहा था कि बाकी लोगों का भी समय, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया कि जो कंफ्यूजन था वो निकल रहा है नहीं, जी। मैं तो जब उत्तर दे रहा होता हूं तो सिर्फ आपको उत्तर नहीं देता हूं, मैं तो सभी को ध्यान में रखकर उत्तर देता हूं। जी हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं जी। जी जी थैंक यू, मिलते हैं 6 तारीख को। नमस्ते जी नमस्ते जी जी जी, ठीक है, ठीक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी। धन्यवाद भैया। तो हम में से कोई साथी सर से कुछ बात अगर रखना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेस करें। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया एक सिचुएशन है जिसमें मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है और मेरे को उसका कंफर्मेशन भी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग सही है क्या, और एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उस अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको क्यों नहीं डील कर पाती हूँ। जैसे अभी संडे वाली इंग्लिश सेशन में कुमार भैया ने एक सिचुएशन किसी के सामने रखी थी कि ऑफिस में आप पहुंचे हैं और वहां आपको पता लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की गई है। तो उस तरह की एक सिमिलर सिचुएशन मेरे सामने कि मैं ऑफिस पहुंची हूँ और 15 मिनट लेट पहुंची हूँ और मुझे पता लगता है कि मेरे मुझे एक मेमो इशू किया जा रहा है। मैं उससे विचलित नहीं होती, मुझे लगता है कि ठीक ही तो है, मैं 10 मिनट लेट पहुंची हूँ, 15 मिनट लेट पहुंची हूँ, और मुझे जो भी मेरे रीजंस हैं, मेरे को जो मेमो दिया जाएगा उसका मैं जवाब उस मेमो के रिप्लाई में दे दूंगी और वो डील कर लूंगी। मतलब मेरा भाव उस टाइम बिल्कुल बिगड़ता नहीं है। कुछ ही समय बाद मुझे पता लगता है कि ये एक र्यूमर थी, फैक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। उस वक्त मेरा भाव बिगड़ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस वक्त मेरे अगेंस्ट कोई कार्यवाही होने वाली थी तब तो मैं उसको समझ रही हूँ, एक राइट अंडरस्टैंडिंग के भाव से मैं उसको डील कर रही हूँ, लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन में मैं उसको क्यों नहीं डील कर पा रही हूँ। देखिए वो जो बात हुई ना कि अभी जो हम अपना एक्सपेक्टेशन सेट किए रहते हैं, मतलब जी जो हमारा संस्कार है उसके तहत जो हम भाव बनाते हैं, उसके तहत विचार करते हैं, उसके तहत आशा करते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर हैपनिंग के साथ, जी तो उसमें जो हमने आशा बनाया उस आशा से अन्यथा होता है तो हम रिएक्शन में आ जाते हैं। अब उसमें क्या करें, तो उसमें पहले ये करें कि ये जो आशा हमने बनाई थी वो ठीक है कि नहीं, उसका मूल्यांकन शुरू करें रादर देन उस पर रिएक्ट करने के। अब हम ये पूछना शुरू करें कि ये जो आशा हमने बनाई थी कि भाई हमारे विरुद्ध में कोई ऐसा नहीं करे, र्यूमर ना फैलाए, ये आशा ठीक है कि नहीं है? जी भैया, ये आशा ठीक है। अब लेकिन इसका तो नहीं, ये आशा करना कि दूसरा र्यूमर ना ही फैलाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के जो संस्कार हैं, जो भाव है उनके, उसके तहत ये सब वो करेंगे। भाई दो चीजें हो सकती है, या तो मजाक से कर रहे थे या आपके प्रति विरोध का भाव है इसलिए कर रहे थे। ठीक जी भैया, है, दोनों ही केस में यह है कि हमको उस पर आगे काम करने की जरूरत है, ना उससे नाराज होने की जरूरत है। पर काम इस किस तरह से किया जा सकता है, अपने भाव पर काम में इसके लिए मतलब क्या सोच करके या क्या किस तरह से मुझे इसको डील करना है कि मेरा उस पर भाव खराब ना हो। ठीक है, जैसे एक तो है कि उसने मजाक में किया, कोई हमारा मित्र है और हमको मजाक में कर रहा है ना, जी भैया, जी भैया, ठीक अगर है, ये मैं चीज पता उससे लगती है तब तो भाव खराब नहीं होगा, वो तो फिर वो उसने नहीं मजाक वही किया, करो, मैंने भी। भाव तो हमारा है, हम खराब क्यों होने दें उसको, तो पहले ठीक रखें ही। ये जो हमारा भाव है ना दूसरे के लिए हम छोड़ देते हैं वो तय करे, ये ठीक नहीं है ना। तो हम अपना भाव तो ठीक ही रखें, अपना भाव ठीक रख के सारी स्थिति का आकलन करें, उसमें ये निकलता है कि भाई वो मजाक कर रहा था, उसको बताएं कि भाई इस तरह से मजाक नहीं किया करो, है ना। अभी मैं इतना विकसित नहीं हुआ हूँ कि कोई मजाक करे और इस तरह की चीजें करे तो भी मैं डिस्टर्ब ना हो, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ये बता जी दें उनको, तो अगली बार से नहीं करेंगे। लेकिन कोई विरोध का भाव लेकर ऐसा कर रहा है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हमारा उसके साथ संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए विरोध का भाव है उसमें। और भैया वो ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ संबंध का भाव मतलब ऐसा है कि मेरे और उसके संस्कार मैच नहीं करते हैं, तो वो शायद वो सामंजस्य बैठने की संभावना भी नहीं है। मैं तो अपने संस्कार पे काम कर रही हूँ, मगर वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो वो विरोधाभास वो बना ही रहेगा।
ये सब का आपने सब मान लिया इतने जल्दी ना, यही तो गड़बड़ है। जब आप ठीक हो सकती हैं तो दूसरा भी बेचारा ठीक हो ही सकता है कि नहीं वो भी आपके बारे ऐसे सोचता होगा कि ये कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप ठीक होने लगी तो फिर ये होप दूसरे के लिए तो ठीक ही है कि हो सकता है तुरंत हो जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है, टाइम लेगा वो। जी भैया लेकिन हम अपना भाव उसके लिए क्यों बिगाड़ेंगे, हम तो नहीं बिगाड़ेंगे अपना भाव। जी देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर जो 4 साल 5 साल से सेशन कर रहे हैं, ठीक जी भैया है ना, और फिर भी वो सवाल उनका ही बना रहता है कि भाई क्या करें ना, बार बार भाव बिगड़ जाता है। जी, ये वाले समस्या से भी निकल रहे हैं भैया कि मतलब ये तो एक ऑफिस वाली चीज है, लेकिन हम जिनको परिवार के अंदर ही हम जिनसे अपना बिल्कुल संबंध भी फील करते हैं या हम जिनके साथ संबंधित हैं ही, लेकिन भाव पूरी पूरी एक इससे इस जर्नी से निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी जैसे ही ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति लगती है उसमें तुरंत भाव बिगड़ता है भैया, और वो ऐसा सही नहीं विश्लेषण करने के बाद भी समय लग जाता है वापस ठीक जगह पर आने में। बिल्कुल, तो हमको भी समय लग रहा है तो अगले को भी समय लगेगा। जब हम सुधरने को तैयार हो गए अगला भी सुधरने को तैयार हो सकता है, थोड़ा समय ज्यादा लगे उसको हो सकता जी भैया है। तो अभी हम लोग तो इसकी आप लोग के साथ 4 साल 5 साल से धैर्यपूर्वक काम कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे जी भैया बहुत बहुत ज्यादा बहुत धैर्य पूर्वक काम कर रहे हैं तो भैया, आप लोगों का धैर्य तो हमें पता नहीं कब मिलेगा जून में मतलब शुरू किया था हम लोगों ने, जून 2020 में, तो जी भैया बहुत सारे लोग हैं जो जून 2020 से शुरू किए हैं, अभी भी जी हैं, जी 4 साल तो हो गया है भैया ना, और बहुत समय भी लग सकता है उनको, बट इतना पक्का है कि वो अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारा सुधार भी हुआ है ना, लेकिन बहुत सारी अभी कमियां हैं उसको ठीक करने में लगे हैं वो, जी भैया है कि नहीं। भैया जो इसमें सबसे बड़ा जो एक पार्ट है जो हमारा भाव बिगाड़ता है ना वो एक्सपेक्टेशन का है, हम उसका अभी तक भी ये समझ में नहीं आया कि उस एक्सपेक्टेशन वाली चीज को इसमें स्टेप 1 टू 7 में कैसे एडजस्ट करें, वो अभी तक भी डील करने में दिक्कत आ रही है। देखिए हम लोग अभी स्टेप 1 से 7 में बहुत डिटेल में गए नहीं एक्सपेक्टेशन वाले जगह पर, क्योंकि होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत फैला हुआ जगह है, जी भैया वहां पर हर एक को पर्सनली ही ध्यान देके काम करना पड़ेगा। हम जी भैया लोगों ने इच्छा पर, भाव पर काम किया और फिर संस्कार पे काम किया, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड जगह है जी भैया और वहां पर अपन ठीक से कर सकते हैं चीजों को काम, ठीक जी भैया है ना। एक्सपेक्टेशन वाला तो अपने को खुद को ही डिटेलिंग कर लेना चाहिए कि जैसे इनके साथ मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई हमसे जो है हमारे साथ वो ना करें, अफवाह ना फैलाएं, जी भैया उस पार्टिकुलर केस में आपने किया जी और भैया उन्होंने फैलाया तो ये एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया, वहां से आप दुखी हो गए। जी भैया अगर फीलिंग पे आप काम कर रहे होते तो पहला काम ये करते कि फीलिंग को ठीक रखते, फीलिंग जी भैया ठीक रहता तो सुखी रहते, सुखपूर्वक फिर ये विचार और आशा और व्यवहार सबको देखते, ठीक से मूल्यांकन करते, तो वो आप कर पाते, ठीक है कि नहीं। तो जी हम लोग उसी भैया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाव पक्ष को और उसके पीछे संस्कार पक्ष को ठीक कर लें, तो ये आशा वाशा को धीरे धीरे अपन हैंडल कर लेंगे, जी भैया ठीक है। आप जी कहाँ से भैया हैं कहाँ भैया से जयपुर भेज से सकते। हूँ, और एकेडमिक फील्ड नहीं है मेरा, मैं कस्टम्स एंड सीजीएसटी में सुपरिंटेंडेंट के पद पर हूँ। अच्छा, ठीक है, जी तो आप भैया इनके माध्यम से आई होंगी, क्या नाम उनका, भगवानी, भैया सुनील सुनील लागीवाल अच्छा भैया जी ने सुनील, सुनील इंट्रोड्यूस किया, भैया, और अनिरुद्ध अनिरुद्ध भैया ने अनिरुद्ध जीवन भैया, विद्या से, हाँ हाँ अनिरुद्ध भैया अनिरुद्ध ने इसमें दर्शना हेल्प भैया ने, की, जी हाँ बढ़िया। जीवन विद्या से अनिरुद्ध भैया ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये मॉर्निंग के यूएचवी सेशंस में सुनील लागीवाल भैया ने चलिए इंट्रोड्यूस किया। बहुत बढ़िया, जी भैया प्रणाम भैया ठीक, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, बढ़िया। आगे कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। जी नमस्ते सर, प्रणाम नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। भैया। मैंने अभी ये स्टेप 1 पे ही काम कर रहा हूँ। मैं 6 जुलाई 2023 से UHV1 किया पुणे में।
तो एक जब कल्पनाशीलता को देखता हूँ तो कुछ आदमी ऐसे नजर आते हैं और डर सा लगा रहता है। तो ये देखते समय हार्ट बीट बढ़ जाते हैं या शरीर में कंपन होता है, तो ये स्थिति को हम कैसे जाए, ये मुझे कल्पनाशीलता में नहीं दिख रहा था। देखिए, जी भैया, जिन लोगों का ध्यान आकर आपको डर लगता है ना, उनके बारे जी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके प्रति आपका विरोध का भाव है। वही तो वो परेशान कर रहा है, और वो विरोध का भाव तो आप ही में है, तो उसको ठीक कर जी लीजिए। उसमें क्या है वो कैसे ठीक करे उसको। भाई, विरोध का भाव तो आपने ही बना रखा है ना, उसको तो पता भी नहीं है कि आपने इस समय आप उसके प्रति विरोध का भाव लाया। अच्छा अच्छा इस तरह से और क्या। आया 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 जी भैया, आया आया उसको तो और पता ही नहीं है। क्या, अभी हाँ। देखिए, हमको पता, उसको पता भी नहीं रहता कि हम उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हम दुखी हो रहे हैं, अगले को पता नहीं है। अभी धीरे धीरे ध्यान देंगे तो पता लगेगा हमको कि अरे बेकार ही हम उसके बारे विरोध का भाव लाकर दुखी हो रहे थे, उसको तो पता भी अच्छा नहीं है, तो वो क्यों जिम्मेदार है इसके लिए फिर। अच्छा लेकिन वो जब वैसा होता है तो उसके साथ कोई तो भी पहला संभाषण हुआ रहता है या कुछ तो भी ऐसा हुआ रहता है, तो उसी के ऊपर हम अजम्पशन बनाते हैं ना। वही ना, तो देखिए क्या है कि कोई एक बार व्यवहार ठीक नहीं किया, उससे हम जी दुखी हुए, जी अब हम उसी को याद कर करके बार बार क्यों दुखी होते रहते हैं। अच्छा उसको भूल जाना ही ठीक है। नहीं, उसको समझना ठीक है, लेकिन अच्छा ये बार बार याद करके दुखी होना तो ठीक नहीं है, तो पक्का ही है ना। जी भैया, जी। अगर किसी ने एक बार व्यवहार ठीक नहीं किया, हमको समझना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, क्यों व्यवहार ठीक नहीं किया, और आगे कैसे ठीक करने के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर काम करेंगे। लेकिन उसी को हम बार बार याद करके उसके प्रति विरोध का भाव लाकर दुखी होते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार थोड़ी है ना। जी भैया, जी, देख पा रहा हूँ ये सब। जी, ठीक रख सकते हैं अपने भाव को, और आगे उसके लिए सोचेंगे कि कैसे उसके साथ इंटरेक्ट किया जाए, कैसे उससे बात की जाए, उसे समझा जाए क्या उसके संस्कार हैं, कहाँ गलती है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जी भैया, जी, समझ पा रहा हूँ। जी भैया, देख पा रहा हूँ। जी ठीक करूंगा भैया इस पे काम। जी, बात, नमस्ते। जी बढ़िया, प्रणाम। जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चंद्रशेखर जी को लेते हैं हम लोग, कालबुर्गी से, कर्नाटक से। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते भैया। नमस्ते एक मेरा बेटे के बारे में एक ये सवाल है भैया। भैया जी। प्लस टू पास हो गया है, वो नीट में भी अच्छा स्कोर लिया भैया और JEE में भी अच्छा स्कोर लिया। अभी फिलहाल हम लोगों को पेरेंट्स को डॉक्टर घर तमाम लोग डॉक्टर करने का इरादा है भैया, हैं? वो डॉक्टर डॉक्टर सीट लेने का, मेडिकल करने हाँ का जी, इरादा सभी हम सब परिवार लोगों का इरादा है भैया। बेटा बोलता है कि NIT में एडवांस में नहीं हो सका, NIT नागपुर अभी फर्स्ट राउंड में लग गए भैया इलेक्ट्रिकल। अभी राउंड 5 तक अभी जाएंगे, कंप्यूटर मिला तो वो कर दूंगा, नहीं तो मेडिकल सोचूंगा। अभी बेटा तो अभी मान के बैठा है कि मैं जो भी बोलूंगा पापा मान जाएंगे, मैं भी उसको अभी प्रेशर नहीं कर रहा हूँ भैया। देखिए अभी अभी देखेंगे नीट का भी सॉल्व होने वाला है देखेंगे बोल के, तो कैसा वो उसको कन्विंस करना, क्या प्रेशर तो नहीं डालना है भैया उसको मेडिकल तरफ। हर एक हमारे परिवार के सब लोग उसको मेडिकल करा देंगे बोल के, घर घर में कोई मेडिकल नहीं है, अभी डॉक्टर नहीं है, हम भी इंजीनियरिंग है सब, हमारे तरफ मैक्सिमम इंजीनियरिंग लोग हैं, वही उसको ऊपर ही छोड़ना अच्छा भैया, क्या हम कन्विंस करके मेडिकल तरफ लाना है। वो सेकंड प्रेफरेंस उसको मेडिकल है, मगर फर्स्ट को तो NIT अगर अच्छा कोर्स अभी इलेक्ट्रिकल मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कंप्यूटर मिला तो उधर जाऊंगा, नहीं तो इधर सोचूंगा ऐसा बेटा बोल रहा है भैया। मेरा उसका थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ये हो रहा है भैया, क्या प्रेशर करना है, क्या कन्विंस करना है कि आपने आपको उसको छोड़ना है, ये जी थोड़ा डिलेमा हो गया ये, क्योंकि उसको फोर्स नहीं करना बोल के मेरा इरादा है भैया।
मतलब उसको भी अभी एज उतना ये नहीं कि वो अच्छा ये अच्छा है। मेरा मेरा मतलब है थोड़ा डॉक्टर बड़े तो सब ज्यादा लोगों को हेल्प हो सकता है और उसको रिटायरमेंट में नहीं रहता है, ऐसा मेरा मानना मानना है भैया। जी इस दुविधा में मैं थोड़ा और कुछ सॉल्यूशन भैया। जी जी देखिए, दो बात है इसमें। एक तो यह है कि हमको क्या प्रोफेशन करना है, एक मुद्दा यह है, ठीक है ना। दूसरा मुद्दा यह है कि हमको जीना कैसे। अभी क्या हुआ कि हम उनको 12 साल, 15 साल, 16 साल हो गया उसकी उम्र, है ना। हमने जीने के हाँ बारे में ना कुछ, 18 हो गया, अभी अभी 18 प्लस साल टू हो हो गया गया अभी। ना, हमने अपने में अपने साथ उसके साथ कोई जीने के बारे बात किया ना, कॉलेज स्कूल वालों ने कभी कोई बात किया होगा, ठीक नहीं किया अभी कोई, है ना। ये एक तो अपने अपने क्राइसिस फ्रेंड ही सर्कल में, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते रह रहा भैया उन्हों है। हाँ उसको ऐसा यह है कि मेरा पापा, मैं जो भी करवा दूँ उसको सपोर्ट मेरा पापा है बोल के जी, उसका दिमाग में तो है। एक तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग अभी जिंदगी के बारे तो कोई बात नहीं कर रहे बच्चों से, ठीक है ना। हम लोग हाँ तो सिर्फ प्रोफेशन के बारे बात कर रहे हैं, और अगर हाँ जिंदगी के भाई बारे बात नहीं किए हैं तो प्रोफेशन कोई भी हो, थोड़े समय के बाद जाकर हम लोग समस्याग्रस्त हो जाएंगे, सही ठीक है ना। है। तो चाहे वो इंजीनियरिंग करे, चाहे वो डॉक्टर करे, है ना। होता हाँ भाई वही है कि वो घर को तो छोड़ के ही चलता है। वो तो है भाई। हाँ, तो अभी एक मैं उदाहरण बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर कानपुर में एक नरेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति है, बुजुर्ग आदमी है, उनसे हमारा पहले से परिचय रहा है। तो एक दिन वो आए हमारे घर और बिल्कुल रोने लगे। उन्होंने कहा कि आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना, सहयोग बताइए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है और उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, ठीक है ना। और ये दोनों लोग अभी तय किए हैं कि अमेरिका जाएंगे। उनको जो एक्सपेक्टेशन था उस तरह का वहाँ यहाँ नहीं मिल रहा है, तो वो भी अमेरिका जाना चाहते हैं। और एकमात्र हमारा लड़का है, तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप हाँ उनको भैया समझाइए, ऐसा उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपके बच्चे को जानता नहीं हूँ, ना आपकी बहू को जानता हूँ, अभी मैं कैसे जाकर उनसे कोई इस तरह की बात कह सकता हूँ। आपने जो भी विकास के बारे उनको बताया, वो विकसित हो गए। अभी विकसित होकर अब उनको लग रहा है कि यहाँ विकास आगे नहीं हो सकता, विदेश जाना है, तो जा रहे हैं, जाने दीजिए, खुश होइए, है कि नहीं। सही है, सही हो गया, सही है। अभी तो उसी को हम विकास मानते हैं, वो विकसित हो गए, अभी जाना चाह रहे हैं तो जाने दीजिए, ऐसा चलता है, ठीक है ना। हाँ भैया तो मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि उनको जिंदगी के बारे सिखाइए। जब भी आपके पास समय हो, उसके पास समय हो, एक बार एडमिशन हो जाता है, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे चाहे मेडिकल में, ये जो दो हाँ तीन भैया महीना बीच का समय होगा, उसमें थोड़ा उनको कुछ सार्थक समझने के लिए सहयोग करिए। नहीं तो इंजीनियरिंग बहुत ज्वाइन समय है करने के बाद भैया। या मेडिकल ज्वाइन करने के बाद उनको सहयोग करिए, एक तो ये कहूंगा मैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि आप डॉक्टर बन जाएगा तो सबका घर में ख्याल रखेगा, ये कुछ अभी जल्दी होने वाला नहीं है। वो एक है भैया, और एक समाज को ज्यादा डॉक्टर से समाज को भी बहुत ये हो जाएगा, और इसको डॉक्टर प्रोफेशन में रिटायरमेंट नहीं रहेगा। तीनों इशू पॉजिटिव एस्टेब्लिश बातों बातों में अभी टाइम बहुत है भैया, मैं समझा सकता हूँ। मगर मुझे भी दुविधा है कि उसके 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 हिसाब से चले क्या, हम ये कन्विंस करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो हमको बहुत क्लैरिटी है ना उसको क्लैरिटी है। पहले हाँ क्लैरिटी हो कि डॉक्टर बन के सब कर सकता है या इंजीनियर बन के कर सकता है, ऐसा पर्याप्त नहीं है। जो भी बने, आदमी बनेगा तब बाकी सब चीजों का ठीक सदुपयोग करेगा। सही है आदमी भाई, नहीं सही है, बनेगा, सही है ना, तो ठीक प्रयोग सही नहीं है। कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम ठीक आदमी हैं, है ना, हाँ भाई आई एम लिविंग लाइक ए ह्यूमन बींग, और हमारा रिटायरमेंट हो गया, तो हम तो पूरे समाज के लिए काम कर सकते, फ्री टाइम मिलेगा। ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया तो भैया। रिटायरमेंट नहीं होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, हाँ वो तो है, हमने तो 2012 में VRS ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमको लगा कि समाज का जितना काम मैं कर सकता हूँ, अभी टीचिंग में रहकर
इतना नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादा कर सकते हैं, तो VRS ले लिया हमने। कहाँ से भैया? इंजीनियरिंग से? हाँ जी, तो अच्छा ही है ना, अभी मैं रिटायरमेंट लिया तो अच्छा किया कि नहीं, आप सबके लिए इतने देर बहुत समय बहुत लगा सकता हूँ। बहुत सही है भैया, हम सब आप सब मिले हमें। जी, तो इसलिए रिटायरमेंट होना कोई खराब बात ऐसा जरूरी नहीं, अगर मैं आदमी ठीक हूँ तो रिटायरमेंट के बाद भी ठीक करूंगा, रिटायरमेंट के पहले भी ठीक करूंगा। जी नहीं। सही है भाई, बहुत 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 अच्छा है इनपुट मिला भैया मुझे। तो थैंक यू भैया, थैंक यू। इसलिए आराम से उससे बैठ के बात करिए, है ना, जो हाँ भैया, भी। बहुत टाइम है बात करने का, अभी 2 महीना बहुत टाइम है, बात कर हाँ सकते हैं। हाँ और फिर जो भी जहाँ भी जाए, इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, आगे उसके लिए वो अवसर बना कर रखिए कि उसको सही समझ में आए, सही भाव विचार हो, सही व्यवहार कार्य हो, आदमी बन जाए वो, उसके लिए काम करिए। जरूर भाई, जरूर भाई। अभी बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया पहले से, है मेरा भी भाई, मेरा भी भैया। ना। 400 का शुगर, 400 का शुगर था, 200 का लाया भैया, बताइए, अभी बिना विदाउट डॉक्टर के हम लोग टैबलेट्स, इंजीनियर रहते हुए भी विदाउट कितना टैबलेट्स बढ़िया कर भैया, पा रहे कि नहीं। विदाउट हाँ? टैबलेट्स भैया। मैं इस मंच में विदाउट टैबलेट्स, इस मंच में मैं बोल रहा हूँ, वॉकिंग, वर्कआउट, डाइटिंग करके आपका जो ऐसा 2 घंटे का जो परिमार्जन हो रहा है, मॉर्निंग सेशन, बहुत मुझे हेल्प हो रहा है भैया। वही तो, बिना डॉक्टर बने इंजीनियर रहते हुए भी हम लोग इतना डॉक्टर का काम कर दिए कि नहीं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये होलिस्टिक है तो डॉक्टर का भी छोड़ रहा है भैया, ये मॉर्निंग सही बात हेल्थ सबके इम्प्रूव हो रहे हैं, घर का भी वातावरण बहुत बढ़िया बन रहा है भैया, है, विरोध ऐसा भास ना। बहुत था। हाँ, 2022 से जो मैं जुड़ा हूँ, सबसे घर का वातावरण बहुत 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 अच्छा है। बहुत बढ़िया, कब से जुड़े आप? मैं 2022 अप्रैल से भैया, UHU 1 भी हो गया, UHU 2 फेस टू फेस हो गया, और अच्छा, फ्राइडे का होल। हाँ, UHU 2 RV कॉलेज में हमारे उमेश भैया से बहुत अच्छा ये हो गया भैया। अच्छा उसके हम बाद गए थे चार चार कलबुर्गी, 2 साल पहले गए थे कलबुर्गी। कलबुर्गी, गुलबर्ग, कर्नाटका में भैया। हाँ वहीं गया था मैं, पूना अरे से गया था। अरे हाँ वहां ओके पर एक ओके, डॉक्टर वासव, नहीं क्या, वासवराव पाटिल हैं एक, जो कभी वहां पर हाँ एसपी रहे, भैया, उनका एक स्कूल है बहुत बड़ा सा। हाँ, बासा पाटिल सेडम बोल के है। हाँ, बहुत बढ़िया स्कूल है भैया इधर उनका, हाँ, उनके यहाँ गए थे वो हम, जीत वो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। बहुत हुआ है, बहुत अच्छा है भैया, उन्होंने जीता जागता हाँ भगवान बोलते इधर ये लोगों को, उनको जी, सेरम में भी उनका एक वो है, स्कूल है सेडम मेन सेंटर। हाँ, सेडम सेरम में। कौटल जी बसवेश्वर बोलते हैं। ओके, अगली बार और एक आएंगे बार तो आए आपसे तो भैया मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल जरूर भैया, जरूर बिल्कुल। भैया, हम वेटिंग ही कर हाँ ली। ठीक है भैया, पहले वो गुलबर्गा नंबर था, अभी ले लेते कालबुर्गी हो भैया। गया है। हाँ भैया, बिल्कुल, आपको पूरा मालूम है, कहीं तो आपका नंबर ले लूंगा भैया मैं, आई विल जी चेक जी योर जी नंबर। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू, नमस्ते ओके, नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते। ठीक है, और कोई प्रश्न हम लोग ले सकते हैं? नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं मार्च 2023 से मॉर्निंग मीटिंग से जुड़ी हूँ, अच्छा 1 साल से ऊपर हो गया है, थोड़ा वॉलंटियरिंग भी करती हूँ। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरा ईगो बहुत हाई रहता है, तो जी मतलब मैं तो ऐसा इंटरनली कुछ सोचती नहीं हूँ, और मैं जब एक्सप्लोर करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन में हम बहुत छोटे गांव से आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा बहुत अच्छी पोजीशन रही स्कूल में, फैमिली के गांव में अच्छी पोजीशन रही, तो वो एक मेरे अंदर ये हो गया है, मतलब अच्छी पोजीशन पे रहने वाला जो मेरी कंडीशनिंग हो गई है, जी, मैं वो कंडीशनिंग को देखती हूँ, बट मैं उस पे कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहाँ पे एक्सप्लोर करूँ, कैसे एक्सप्लोर करूँ ताकि मैं ये समझ पाऊँ इस अपने अंदर जो फीलिंग है इसको। मुझे बुरा लगता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग है। अच्छी बात है, देखिए कम से कम आपका ध्यान जा रहा है ना, बहुत लोगों का तो ध्यान नहीं जाता, उसी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, है कि नहीं। जी हाँ,
आपसे तो भेंट हुई थी ना वर्धा में ना। हाँ हाँ भैया, मिले हैं वर्धा जी में। जी जी बढ़िया। तो देखिए, आपका ध्यान कम से कम चला गया कि हमारे में वो ईगो जो है वो है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अब उसको देखना शुरू कर दीजिए, देखकर उसका मूल्यांकन कर लीजिए कि ये सहज है या असहज है, सुखद है दुखद है। तो पता चल जाएगा कि इस ईगो के साथ कोई सुख तो मिल नहीं रहा है। जी ईगो के बारे ठीक से स्टडी करेंगे ना, तो इतना एक तो इतना गहरे बैठा रहता है कि हमको एक तो दिखता नहीं है कि ये ईगो और ईगो का मतलब क्या, उसको समझ लीजिए। मैं अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेष्ट मानता हूँ, कि मैं तो ग्रेट हूं और दूसरा कुछ नहीं है। हाँ अपने को ग्रेट माने यहाँ तक भी ठीक है, और सभी को ग्रेट मान ले तो बहुत अच्छा, जी लेकिन हम ठीक है और दूसरा ठीक नहीं, ये जो दूसरा जोड़ते हैं ना, ये दूसरा ठीक नहीं, वो तकलीफ देता है अपने को भी दूसरे को भी। हाँ अगर ये हम ले आए कि अगर हम ठीक हैं तो हम सबको अपने जैसा बनाएंगे, तब तो मामला ठीक हो जाएगा। हाँ वो ये समझ तो रहे हैं? एक्सप्लोरेशन में हो रहा है भैया। मतलब ऐसे में अभी दूसरे व्यक्ति को ऐसे कनिष्ठ तो कभी नहीं या निचला तो कभी नहीं माना, लेकिन अभी मैं दूसरे व्यक्ति के भी खूबियों को एक्सप्लोर करती हूँ और रीजन आउट करती हूँ कि ये इस तरह से इस गलती को इस तरह से उन्होंने कोशिश की और इस तरह से हुआ, इस हिसाब से करती हूँ। बिल्कुल। तो अगर हम ये देखने लगे कि हमारे में कोई श्रेष्ठता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे को भी उस श्रेष्ठता तक पहुंचा दें। तो जी फिर क्या होगा, दूसरे में कमी दिखेगी भी, तो उसके कारण कोई समस्या नहीं है। कमी से थोड़ी समस्या है, कमी के आधार पर जो हम भेद पैदा कर लेते हैं उससे समस्या है, ठीक है ना। तो अगर ये भाव है कि मैं श्रेष्ठ हूं तो अच्छा है, लेकिन हर एक श्रेष्ठ है या हो सकते हैं, ये उसके साथ जोड़ लेंगे तो फिर आगे का सार्थक कार्यक्रम निकल आएगा। अभी क्या है, मैं अपने को श्रेष्ठ मानता हूँ, दूसरे को कमजोर कम मानता हूँ, और ये कम जो है अंतर है उसको बनाए रखना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति विरोध का भाव। जी ये स्पष्ट हुआ, भैया, उसको ठीक करना है। हाँ। और तो अगर जैसे हम दूसरे अगर बताइए ना। हाँ दूसरे के प्रति विरोध का भाव नहीं आ रहा है और ये भाव आ रहा है कि वो भी समझे जो चीज को मैं समझ रही हूँ, और क्या होता है कि हम समझ के जब बताने जाते हैं तो दूसरे में ये भाव आता है कि इसमें ईगो है, जैसे हमें फील होता है कि उन्हें लग रहा है कि हम ईगोइस्टिक है, वो वाला हमारा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा जिम्मेदारी का भाव आएगा तो फिर ये नहीं होगा। अभी जिम्मेदारी का भाव नहीं आता उसके प्रति, इसलिए हमको लगता है कि वो दूसरा अन्यथा सोचेगा। हाँ अगर मेरे में जिम्मेदारी का भाव है, मैं उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होऊंगा, तो क्यों ऐसा सोचेगा वो। और जी उसके साथ भैया, अगर वो सोचता भी है, तो फिर उसकी सरकार की समस्या है, उसको आगे देखेंगे। जी भैया, हुआ, क्लियर हुआ, थैंक जी यू। जी 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 ठीक। तारा जी रानी जी, आप नमस्ते डीओई भैया। क्या है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है डीओई? सर मैं एजुकेशन से हूँ, डायरेक्टरेट ये डीओई क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, कहाँ पर आप, एनसीआरटी में है, भैया भैया दिल्ली में हूँ, दिल्ली दिल्ली में? अच्छा के स्कूल में हूँ। भैया जी, हाँ बताइए बताइए। जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा पर्सनल की, जैसे कुछ घटनाएं, जैसे संबंधों में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे मैं बहुत पीड़ित हुई, तो मेरे मन में उनके जिस जिनकी वजह से पीड़ित हुई उनके प्रति विरोध तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रह रहकर वो घटनाएं, क्योंकि बहुत पीड़ा देने वाली थी, वो मुझे बार बार आके तंग करती है और वो मैं थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ और मैं उससे निकलना चाहती हूँ, निकल जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं चाहती हूँ वो चीज ना आए मेरे पास, तो मैं उसके लिए चाहती हूँ आपसे मेरा मार्गदर्शन करें। दूसरा भैया, मैं स्कूल के अंदर ना HOS की उस पे हूँ, पोस्ट पे हूँ, तो स्कूल में जैसे काम लेना होता है स्टाफ से, तो मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से करती हूँ, समय पे आना, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम ही देके, और मैं
मतलब बाकी स्टाफ को भी कहती हूँ बेटा अपना काम अगर आप ईमानदारी से करते हो ना, समय का पालन करो, जो ड्यूटीज है अपने उसको करो, तो फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जब हम काम नहीं करना चाहते तभी प्रॉब्लम्स आती है। तो कुछ लोग, मेरा मैक्सिमम स्टाफ बहुत अच्छा है, कुछ एक आधे लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करने की उनकी मतलब होता है, जैसे ज्यादा मिल जाए बट करना ना पड़े, सैलरीज तो बढ़ती जाए, इंक्रीमेंट आता जाए, डीए बढ़ता जाए, बट काम कम से कम करना पड़े। तो ऐसे लोग भी हैं, उनको जब टोकते हैं तो वो विरोधाभास वाली बात आती है, विरोध दिल से नहीं होता लेकिन वो जो बातें भी होती हैं तो सामने वाला करना ही नहीं चाहता, बार बार कहने के बावजूद भी, तो उनको डांटना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा विरोध आता है। तो मैं चाहती हूँ वो चीज भी मेरा खत्म हो जाए कि मुझे विरोध बिल्कुल भी ना आए और मैं सहज भाव से उनको डील कर पाऊँ। तो होता तो थोड़ी देर के लिए ही है विरोध, लेकिन आता है भैया, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कभी तो मैं अपने में गिल्ट भी आती हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब मेरे में विरोध क्यों आ रहा है, मैं क्यों डांट रही हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ अगर मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मुझे इनसे काम करवाना पड़ेगा, अब प्यार से नहीं हो रहा तो मुझे डांट के भी करवाना पड़ेगा, तो वहां मुझे लगता है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, तो वहां मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ भैया। पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी क्या है कि हम अपनी भाषा ना अपने ढंग से बना लेते हैं। जैसे कोई दुर्घटना किसी समय घटी, कोई दुर्व्यवहार हुआ और वो हमारे लिए दुखद था, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि वो बार बार हमको याद आ जाता है। ये जो कह रहे हैं कि याद आ जाता है और ये बात कि हम याद करते हैं, ये दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? जो स्टेप चार की बात है ना कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, हमारे भाव का, हमारे विचार का, आशा का, कौन निर्णय ले रहा है? दूसरा व्यक्ति, बाहर की कोई घटना या मैं स्वयं? मेरा प्रश्न समझ में आया तारा रानी जी? आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? आर यू कनेक्टेड? अब वो थोड़ा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ तारा रानी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ी? जी भैया जी, मुझे सुनाई पड़ रही है बट मैं बोल नहीं पा रही। नहीं, अब तो बोल पा रहे हैं, अब ठीक है। हाँ जी भैया, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो घटना का याद आ जाता है या मैं याद करता हूँ या करती हूँ? भैया वो गहराई में अगर जाके देखे तो शायद मैं ही याद करती हूँ जी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दिख जाए कि मैं ही याद करती हूँ तो निर्णय मेरे ऊपर है। क्यों मैं उसको बार बार याद करती हूँ और उससे दुखी होती हूँ? जी भैया, तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिखे कि हम ही तय कर रहे हैं कि हमको याद करना है और हम कर रहे हैं और हम उससे दुखी हो रहे हैं। जी भैया, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पता लगेगा कि उस समय जब ये घटना घटी थी तब भी मैं इसलिए दुखी हुई थी क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने में उसके प्रति विरोध का भाव लाया था, और आज भी दुखी इसलिए होती हूँ मैं क्योंकि मैं उस घटना को याद करके उसके प्रति विरोध का भाव लाती हूँ। जी भैया, वही घटना किसी और के साथ हुई होती ना तो शायद आपको उतना विरोध का भाव नहीं आता, तो दुख नहीं होता उससे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप फिल्म में देखे होंगे कि नहीं, जी भैया, तो याद करके आप कहाँ दुखी होते? मतलब इसका मतलब विरोध कहीं ना कहीं बैठा हुआ है अभी। बैठा हुआ है और उसको अभी भी हम बार बार पूरे मतलब कहते हैं उकेर रहे हैं। तो भैया मैं क्या करूं, बार मतलब कैसे अपने आप को वो करूं कि वो बिल्कुल भी ना कर पाऊं, मतलब मैं उस पे काम नहीं कर पा रही हूं। तो अब ये दिखना चाहिए, एक तो होश में रहेंगे अपने प्रति तो हमको अपना विरोध का भाव दिखेगा, ये भी जी दिखेगा कि ये भाव हमको सह स्वीकार नहीं है, जी तो हम तय कर पाएंगे कि इसको क्यों ढो रहे हैं। घटना कभी हुई, आज 2 साल पहले हुई होगी, 10 साल पहले हुई होगी, हम उसको क्यों ढो रहे हैं? और हम ही ढो रहे हैं ना, दूसरे को तो ध्यान भी नहीं है कि आप उसको ढो रहे हैं, तो हम क्यों ढो रहे हैं? जी, हम ढो रहे हैं क्योंकि हमको ये दिखा नहीं है कि उसको याद करके हम अपने में विरोध का भाव लाते हैं और विरोध के भाव से दुखी होते हैं, विरोध का भाव हमको सहज स्वीकार नहीं है, इसलिए वो हमारे दुख का कारण है और उसका निर्णय मैं ही ले रही हूँ, इसलिए मैं ही दुख का कारण हूँ। ये दिख जाएगा तो हम एक इतना बड़ा कार्यक्रम जो चला रहे हैं उसको ड्रॉप कर देंगे, क्यों चलाएंगे? जी है कि नहीं? जी जी काम करती हूँ भैया। एक तो ये, दूसरा ये जो परस्परता में जो हम जिम्मेदारी हमारे ऊपर है,
उनके तहत भी जब हम निर्णय लेते हैं और कोई कठोर निर्णय ले रहे हैं तो ये देख लेना जरूरी है कि हमारा भाव सही है कि नहीं। अगर हमारा भाव सही होगा तो हम सुखी रहेंगे, सुख पूर्वक उस कठोर निर्णय को लेंगे भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे बच्चा अगर आग में हाथ डाल रहा है तो माँ जो है बलपूर्वक उसको रोकती है, जी, लेकिन उसमें यह महत्वपूर्ण है कि स्नेह का भाव है कि विरोध का भाव आ गया। तो स्नेह का भाव बना रहे ना, हम बलपूर्वक उसको रोक दें, उससे वो परेशान भी होगा, चिल्लाएगा भी, लेकिन उसके परेशान और चिल्लाने से हम दुखी ना हो, हमारे में विरोध का भाव ना आए, है ना। एक बार हम उसको बलपूर्वक भी रोक सकते हैं, अगली बार उसको समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी वो समझता नहीं है, समय लेता है तो उसको समय दे सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। भैया समय की कोई निर्धारण, मतलब 2 महीने हो गए, 4, 6 साल, 2 साल, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कितना भी समय दो उसके बावजूद भी वो सेम गलती को बार बार दोहराना चाहते हैं। वही ना, तो देखिए उनके संस्कार उतने रिजिड हो गए हैं तो उसके लिए समय लगेगा ही। उस समय हमको लगता है कि और कोई कठोर कार्रवाई करना है तो और कठोर कार्रवाई कर लीजिए, बट उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका देखिए मतलब अगर अभी मैं थोड़ा सा कठोर हो रही हूँ तो मतलब वो कोई गलत नहीं है, विरोध वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके अंदर विरोध का भाव तो नहीं है ना। नहीं होता भैया, बिल्कुल भी विरोध नहीं होता। मतलब वो घटना भी घटती है तो मैं थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल होकर उनसे बात कर रही होती हूँ। जी, तो वो अगर संबंध का भाव है और संबंध पूर्वक आप कोई कठोर निर्णय ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जी भैया, थैंक यू सो क्योंकि मच वो जब भैया। रिएक्ट करता है तो उसको लेकर फिर विरोध में लड़ाइए, वो रिएक्ट करेगा ही। जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। ठीक है, ओनक वारू इनको सुनते हैं, भैया गुजरात प्रणाम। से हैं, गांधीनगर से। जी बताइए नाम। प्रणाम। भैया मैं जयपुर से हूँ, सुधीर, मेरी हाँ आवाज आ रही इसमें, भैया? हाँ जी, जी अच्छा आप सुधीर जी प्रणाम। बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। जी हाँ प्रणाम भैया, मेरी धर्मपत्नी ने अभी प्रश्न पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले, रचना ने। हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वैसे तो ये एजुकेटर्स के लिए है भैया प्रोग्राम, लेकिन हम लोग इसको नहीं, सुनते अरे हैं। हाँ सब एजुकेटर है, आदमी जी जब समाज में जी रह जी रहा है जी तो एजुकेटर है ही। जी भैया, जी भैया, मैं ज्यादा इसलिए नहीं पूछता यहाँ पर कि तैयारी भी पूरी नहीं है और इस लायक भी अपने आप को नहीं समझता, लेकिन आज सही प्रश्न के बात, दो हिस्से हैं। जी भैया, मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं भैया। एक तो जिसे यूएचपी के छोटे छोटे स्टेप्स में उसको समझना, जीवन विद्या को समझने से बहुत फर्क पड़ा है जीवन में और आसपास के माहौल में, जो हमारे ऑफिस में है, यानी बस बहुत क्रूर लोग भी बहुत अच्छे उसमें समझदारी के समाधानी की तरफ बढ़ रहे हैं देख करके, उदाहरण से, ये तो अच्छी बात है। तो लेकिन कुछ कुछ जगहों में भैया समस्या है, वो उसी का एक्सटेंशन है जो मेरी धर्मपत्नी रचना जी थी, उन्होंने भी पूछा था कि जैसे हमारा संबंध का भाव है, हमने अपने आप को और हमारा अपना भाव और विचार भी बेहतर पहले से बन रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि लगातार जो ऑफिस में भी और निजी जीवन में भी आपको ग्रांटेड लिया जाता है, जब आप आपका भाव सही रहता है और जब आपका आप समझ के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपको ग्रांटेड लेकर के मिसयूज किया जाता है उसको, उस वक्त फिर विचार और भाव खराब होते हैं, उस वक्त ना उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वहां उसमें थोड़ा सा मुझे मदद चाहिए भैया कि उसको हम कैसे हैंडल करें उस वक्त, कि हम ठीक है, हम अपने आप पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो लगातार फिर जो अजम्पशंस है ना, उनको थोप दिया जाता है आपके ऊपर, मिसजज करके और अपने अजम्पशंस को आपके ऊपर थोप दिया जाता है, तो उस जगह पर हैंडल करना, उस वक्त अपने विचारों को और भाव को संभालना सीखना है भैया, इसमें मदद ठीक कीजिए। जी बात। देखिए ना क्या है कि ये जो कई बातें आपने कही ना, कि एक तो लोगों का ध्यान जा ही रहा है, एक तो जी हाँ हमारा बिल्कुल, खुद में सुधार हो रहा है, जी बिल्कुल दूसरा बहुत सारे क्रूर लोग थे उनका भी ध्यान जा रहा है। जी हाँ, मतलब वो शब्द गलत हो गया, लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, बात जी आपका पास्ट जी एक्सपीरियंस है वो जी तो जी इसका नहीं फर्क पड़ा। मतलब हम सब लोग ठीक होना तो चाहते ही हैं, हाँ इतना ही है कि दूसरे का ठीक होने का जो स्पीड है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो हाँ जी इसमें ये तय कर लें कि भाई उनको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसमें क्या थोड़ा ज्यादा समय दे दें,
ये उदारता चाहिए। हाँ भैया, हम लोग क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए साथ होते हैं, अब उस थोड़े समय में भी अगर उस समय को व्यर्थ गंवा देना इसी चीज अच्छा में, लेकिन देखिए क्या ना, जी हड़बड़ी नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस है तो हाँ उसको तो मान स्वीकारना पड़ेगा ना। जैसे आप एक आम का पेड़ लगाएंगे, हाँ ठीक है, उसको फल देने में 10 साल तो लग ही जाता है। हाँ अब जी आप ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम कम है, तो उसमें बेचारा आम जी का पेड़ क्या कर सकता है। जी 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 लेकिन इतना पक्का है कि अगर आप साल भर भी थे और साल भर में आपने आम का पेड़ लगा के उसको नर्चर कर दिया, तो हाँ 10 साल बाद फल तो आएगा, भले आप ना खाएं उस फल को। वो बाद में तो कहते हैं कि आपने आम के पेड़ अच्छा लगाया था और हम आपके आम के एग्जैक्टली पेड़ को उस वक्त यूज नहीं कर पाए, ये तो कहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उस वक्त जो वर्तमान है ना सर, उसको बहुत समय को बिगाड़ते हैं सर, वो बड़ा दुखदाई है, उससे हैंडल करना है। वही तो, उसको आप एक्सपेक्टेशन अपना ठीक रखना पड़ेगा आपको। जी हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी हो जाए, जल्दी होगा नहीं, टाइम लगेगा ना। हाँ, लॉजिकली हो जाए। जी दूसरा ये है कि जी आप थोड़े समय के लिए इंटरेक्शन में हैं, फिर ट्रांसफर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो जी 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 क्या करें। तो कोई बात नहीं, इस बात को थोड़ा समझिए, और इसको जितना भी आप समझने में समय लगा सकते हैं, और जो भी लोगों के साथ आपका एक बार संबंध स्थापित हो जाए, वो तो हो ही जाता है अगर आप ठीक जी से हाँ जिएंगे, तो बिल्कुल 1 साल 2 साल में भी 10-5 लोगों से तो संबंध स्थापित हो जाता है, उनके साथ काम जारी रखिए, है कि नहीं। जी। और देर सवेर अगर आपका और उत्साह बन जाए, तो शिक्षा में तो बहुत अवसर है काम करने के लिए, जी उसको करना शुरू करिए। अभी देखिए हम सब जी लोग कर ही रहे हैं शिक्षा में काम, है ना, बच्चों जी भैया के साथ, बड़ों के, शिक्षक के साथ, इतना हम लोग कर पा रहे हैं। तो अवसर का कोई अभाव नहीं है, हमारे में गति होगा, विकास होगा, तो हम सहयोगी हो जाएंगे लोगों के। तो जहां आप हैं वहां भी काम शुरू कर सकते हैं और शिक्षा में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, मेरा अभी इच्छा जी थी कि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें यूएचबी के कोर्सेज को मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल पोस्टिंग मिली नहीं, मैंने कोशिश भी की थी इसके लिए। और जी, जैसे ओवरऑल जैसे 500 लोग हैं, जैसे 1000 लोग टोटल माने हम लोग जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें से 2-5 लोग ही हैं जो ये परेशानी करते हैं, बाकी तो 995 लोग तो वाकई में मतलब संबंध और बढ़िया अच्छा माहौल है, इसमें कोई शक नहीं, वही देखिए तो मैं यही संभावना कह तो रहा है। हूँ कि जी भैया ये जो 950 लोग है ना, जी, अगर ये जी समझदार और जिम्मेदार हो जाए ना, तो बिल्कुल बाकी 50 लोग इतने मुश्किल क्यों हो सकते हैं हमारे लिए। जी जी बिल्कुल मैं ऐसा कहता हूँ कि भारत में जब अंग्रेज आए ना, जी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज, बिल्कुल ये बात है जी और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 33 करोड़ से कम लोग हों भारत। जी तो एक आदमी के ऊपर, एक अंग्रेज के ऊपर 3300 भारतीय पड़ते हैं। सही बात, अगर ये तय कर बिल्कुल लिए भैया थे ना, जी तो 3300 लोगों को, एक अंग्रेज को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था। ये बात है जी भैया और कुछ नहीं करते, हाथ पकड़ के बैठ ही जाते कि भाई जब तक तुम ठीक नहीं होगे जाने नहीं देंगे, तो क्या करता जी बिल्कुल वो तो इसका मतलब या तो हम ठीक नहीं है या हम एक्टिव नहीं है। तो जी हम ठीक भी हो जाए, एक्टिव भी हो जाए, तो कितना बढ़िया है, और होना पड़ेगा जी और क्या। तो ये जी दोनों कर भैया लीजिए तो हो जाएगा। और ये जी आइडिया बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में ये काम धीरे धीरे शुरू हो जाए, जी बहुत आप मेरी बहुत इच्छा सोचेंगे तो थी। होने लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ एक समय जो है महाराष्ट्र में एक माडा बोल के जगह है, मतलब संस्था जी है, जी जी जो हाउसिंग वाला काम देखती है महाराष्ट्र का, MHAD जी हाँ MHAD है जी ठीक है ना, जिसमें हजारों इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, है ना। जी भैया एक दो लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया जैसा आप सोच रहे हैं। जी अभी अगस्त के सेकेंड वीक और थर्ड वीक में उनके दो दो ट्रेनिंग हो रही है, जी उनके जो भी हायर ऑफिसर्स हैं उनके लिए। बिल्कुल 3-4 साल लगा उस प्रोसेस में, बट हो गया, अभी शुरू हो गया प्रोसेस, हो ही सकता है, इसमें क्या। जी मैं अपने अधिकारियों के आप सामने इसको रखूंगा, ठीक से रखूंगा, अभी ढंग से नहीं रखा और मैंने क्या, इसको जी, बिल्कुल उससे ढंग से कुछ रखिए, और 1 साल 2 साल लगे तो कोई बात नहीं, क्या है उसमें, जी। इतना समय बिगड़ने में लगा है, ठीक होने में थोड़ा समय लग जाए तो क्या हानि। बिल्कुल भैया ठीक है, बढ़िया, तो जी जी बढ़िया भैया, प्रणाम भैया, बढ़िया ठीक है, जी नमस्ते, भैया, ठीक नमस्ते, प्रणाम है, भैया। प्रणाम प्रणाम। तो रौनक बरवी जी का प्रश्न और ले लेते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, उसके बाद क्लोज कर लेते हैं। यस प्रणाम गणेश भैया, मैं गांधीनगर से हूँ, प्रणाम गुजरात से हूँ, और जी, सितंबर में सार्त्र में भी आ रहा हूँ, तो तब तो रूबरू मुलाकात होगी, तब तक यहाँ पर बहुत ऑनलाइन अच्छा, मिलेंगे। बहुत अच्छा, और ऐसे तो मेरे जो प्रश्न थे, तो आपने दूसरे लोगों के जो उत्तर दिए उसमें मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी तो मिल गई,
मेरा भी सही बेटा है बात वो भी टोरंटो में है, और है। वहां पर अच्छा वो कुछ पढ़ा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग का, लेकिन अभी काम कर रहा है दूसरा, और वहां पर जी, वो रह के भी वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरा बेटा ट्रेडिंग ना करे, वो जो पढ़ा उसमें करे। लेकिन कुछ जब भी मालूम पड़ गया मुझे सारे लोगों के उत्तर लगे कि उसको मानव ही मुझे बनाना है, अगर वो सही मानव बन गया तो जो भी कुछ करेगा ठीक ही करेगा। तो एक तो अच्छा वो मैं क्लियरली मेरे बना पाया कि जी भले उसने प्रोडक्ट डिजाइनिंग किया लेकिन उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो एक वो मेरी क्लियरिटी थोड़ी बन गई। और दूसरा मुझे ये था कि मैं उसको अच्छा देना चाह रहा हूँ कि वे भी ये फॉलो करे, जीवन विद्या करे, ये करे, लेकिन वो नहीं करे, बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा विरोध का भाव आ जाता है और थोड़ा एक्साइटेड में हो जाता हूँ। तो वो जी एक तरह दिक्कत रहती है बस भैया। देखिए, पहले आपने और संस्कार दिए, अभी कुछ और संस्कार देना चाह रहे हैं, सही ठीक है ना? तो है। जो पहले दिए उसके साथ वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो अभी क्या करें? अभी उसके साथ सही व्यवहार करना शुरू करें। अभी पहले राइट उसको अपने हिसाब से चलाने के बदले उसके साथ हमारा व्यवहार सही हो जाए, ये जरूरी है, एकदम तो सही फिर बराबर वो हमारी बात को सुनने को तैयार हो। है। अभी आपके परिवार है गुजरात में ही, तो बड़ौदा के रहने वाले हैं वो लोग, जो मुझे ठीक से ध्यान है। तो उनका बेटा एक सत्र में आया था यहाँ पर, ओके और उसको ये बात समझ में आ गई। तो लौट कर जब वो घर गया तो उनके पिताजी के साथ उनकी काफी लड़ाई होती थी, कोई भी चर्चा बराबर शुरू होती है तो फिर झगड़े में बदल जाता था। तो अभी हर बार कहता था, जब भी ये झगड़ा शुरू होने वाला होता था, पिताजी कुछ कहना शुरू करते थे तो वो कहते थे कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा आपको, आप पहले एक सत्र करके आइए तब बात करेंगे। बराबर तो है सही बात उनके है। पिताजी को 6 महीने भी लगा कि भैया तो जाना पड़ेगा, ये तो ऐसा कर दिया कि अब कोई बात ही नहीं कर पा रही इससे। सही बात है। तो मैं भी उसने चाहता इतना ही तो वही हूँ, किया। लेकिन मैं भी चाहता तो वही कि मैंने किया तो वो भी हमारा सर परिवार कर ले, लेकिन अभी क्या हमने स्वीकृति, हम मेरी खुद की नहीं है तो नहीं करेंगे ना, पहले तो मेरी स्वीकृति बनानी पड़ेगी उनके एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली। तो फिर वो आए अगली बार यहाँ सत्र में, है ना, उनके पिताजी। और वो सत्र अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको समझ में आया कि क्यों वो कह रहा था कि जाओ तब बात करेंगे। अब घर का झगड़ा बंद हो गया है, एकदम सही है। तो इसलिए पहले उनके साथ व्यवहार ठीक करिए, अपना बच्चे के साथ। यस यस उसको हाँ, जो पहले आराम मैं भी मिलेगा तब वो आपसे खुद ही पूछेगा कि आपका व्यवहार कैसे ठीक हो गया, है ना? सही सही एकदम सही एकदम सही है कि उसने जो देखा है वही उसने लिया है। तो अभी अभी जो नया मेरा जो देखेगा तो वही वो बोलेगा फिर आगे जाके, और उसमें मेरे को धैर्य रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। धैर्य रखना है और सही के लिए काम करना है। बिल्कुल यस हाँ, उसको अवसर देते रहते हैं, देते रहना मेरे मुझे। यस शुक्रिया भैया, शुक्रिया। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, बताइए यशवंत जी, समय तो हो गया है। हाँ सर, समय हो रहा है, बहुत सारे हैंड्स रेज है लेकिन समय की सीमा है। तो हाँ, लेकिन अच्छा रहा, 2 दिन आप सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत लोगों से परिचय हो गया, जी सर, बहुत और अच्छी बात है। हम सभी के लिए भी ये काफी मतलब प्रेरणादायक रहा, और बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान गए। धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, सभी साथियों को नमस्ते। नमस्ते।